बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जैसा कि आप सब भाई जानते हैं कि करवा मोटर कमिश्नर मकसद ही ये है कि अपने प्यार करने वाले भाइयों और दोस्तों को अच्छी और सस्ती गाड़ियाँ देना। तो आज हमारे पास जो गाड़ियाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपको डिटेल से वीडियो दिखाते हैं, रिव्यू भी देते हैं और उनकी कीमतों के बारे में भी बताते हैं। तो रंजीत भाई आए जी, शुरू करते हैं। ये आज हमारे साथ पड़ोसियों के पास जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं आपको दिखाते हैं। ये 2011 मॉडल है, 2011 मॉडल है जी, और नंबर है। गाड़ी में टचिंग है, बोनट पे टचिंग है, फेंडर पे भी टचिंग है। उसके बाद अच्छा ठीक है, इसका रुपये भाई पिछला फेंडर ठीक है, डिग्गी ठीक है, साइडो शाइडो पे है टचिंग शचिंग। अंदर से थोड़ी सी गाड़ी दिखा दें, सीलों में गाड़ी ओके है। नंबर कराची है लेकिन कराची में चली नहीं है गाड़ी। एसी शेसी चालू है इसका जी? बिल्कुल ओके है या नहीं चेक की गाड़ी? चलो देख लेते हैं जी आप। हाँ बेल्ट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। हाँ चल, एसी का ये है कि जब हमें कोई बंदा पूछे तो हम बता देंगे। रमजिया भाई सीलों में गाड़ी ओके है, ये वाली सील थोड़ी सी बनी हुई है इसकी, ये वाली ठीक है, बाकी ठीक है। उसके बाद गैस पेट्रोल दोनों पे चालू है गाड़ी और बिल्कुल फ्रंट से बिल्कुल साफ है। कराची नंबर है लेकिन गाड़ी साफ, गाड़ी बिल्कुल साफ है। इधर आए जरा, टायर दिखाओ। दो टायर तकरीबन 65-70% टायर हैं इसके, ठीक है। पिछले वाले भी यही है और बैक साइड से भी गाड़ी की लोग थोड़ी सी चेक करवा दें, ठीक है। आप ये समझें कि गाड़ी में जो है ना, चालीस परसेंट जैनवन है और बाकी तकरीबन 60% कलर ले लिएगा, ठीक है। 40% जैनवन समझ लें। अच्छा क्या नाम है जमील भाई? अकील। क्या इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 9.5 डिमांड कर रहे हैं। कितने की बाकी है? थोड़ी बहुत अगर कोई बाकी नहीं तो 9 तक दे देगा शायद। चले जी 9 तक कह रहे हैं शायद दे दे, कोशिश करेंगे कि 9 से भी नीचे लेकर आए, लेकिन ये मौके की बात, मौके की बात है। अपनी तरफ से हम इंशाल्लाह जो लेने वाले हम उसकी आंख में फैसला करेंगे। मॉडल कौन सा? मॉडल ये 11 मॉडल है, 11 मॉडल है, सिंध नंबर है, 40% बाहर से जेन्युइन है और बाकी जो आपको बताया कि 9 फाइनल, इसमें से भी कोशिश करेंगे मौके के ऊपर जो गुंजाइश हुई। उसके बाद ये कोरे है जी, कोरे आपको दिखाते हैं। ये देखें जरा जी, इस्लामाबाद नंबर से भी गाड़ी और गाड़ी बाहर से भी ठीक है, छत पिलर जेन्युइन है, इस दरवाजे के ऊपर टचिंग है हल्की सी नीचे नीचे, बाकी कलम लगी हुई है, फेंडर भी ठीक है इसका अपना है, बोनट भी ठीक है, इस दरवाजे में अंदर की नीचे है टचिंग, बाकी ठीक है, डिग्गी ठीक है। ये गाड़ी तकरीबन रुपये भाई आप समझ लें कि 70% जानवन है, 70% जानवन है। अंदर से भी देखो, अंदर से सीटें देखें, बहुत ही खूबसूरत सीटें हैं, ठीक है, डैशबोर्ड वगैरह भी ठीक है। आगे सेट हैं, सीलें देख लें, सीलें भी बिल्कुल ठीक हैं, अंदर भी बिल्कुल ठीक है, फुटबोर्ड भी ठीक है इसके, ठीक है। उसके बाद अंदर से गाड़ी से नंबर दो, फ्रंट का फ्रंट दिखाता हूँ आपको, फ्रंट भी ठीक है, इधर से भी ठीक है, फ्रंट पट्टी भी ठीक है, गैस पेट्रोल दोनों पे चालू है और इसमें भी एसी का बेल्ट शेल्ट सारा कुछ लगा हुआ है, सामान वगैरह सारा लगा हुआ है, बोतल भी लगी हुई है, कंडेंसर भी लगा हुआ है। और कितने को जाएगी इसका भी आपको बता रहे हैं जी के 12.5 लाख रुपया 11 मॉडल कोरे 70% बाहर से जानवर और 12.5 लाख रुपये कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोशिश करेंगे कि 60-70 हज़ार रुपया जो है ना, 11 मॉडल है, 11 मॉडल 60-70 हज़ार रुपया कम करवाएं। इस्लामाबाद का नंबर है, लाइफ टाइम हुई भी 660। आगे सेंट्रो आपको दिखाते हैं, सेंट्रो बाय से नजर आ रही है, 2004 मॉडल है जी,
2004 मॉडल है जी, बाय बाय से तो ये रंग है, छत ठीक है सिर्फ इसका। ऐसे में देखा थोड़ा सा सही पता नहीं चल रहा, लाइट ऑन भी रहा, देखो जरा ठीक है अंदर से दिखाएं। सीटों के कवर वगैरह चेंज होने वाले हैं इसके, और 2004 मॉडल है, बैक साइड से भी दिखाएं टायर वगैरह इसके जो है ना तकरीबन टायर हैं इसके तकरीबन अरे भाई 60-70% टायर हैं इसके ठीक है। इसको फ्रंट आपको चेक कराता हूँ, फ्रंट देखेंगे, फ्रंट की गाड़ी बिल्कुल साफ है ठीक हो गया। उसके बाद इसमें भी एसी का लगा हुआ है सामान वगैरह, और जानवर अपने इंजन में है ये गाड़ी, सीलें शीलें एंड स्टार्ट थोड़ी सी इधर से भी से भी, बाकी ठीक है गाड़ी। तो नंबर लोअर का, इसकी डिमांड जो है 8,80,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 50,000 रुपये के रुपये भी बर्गेनिंग के साथ करवाएंगे ठीक, 50,000-60,000 रुपये की इसमें बर्गेनिंग करवाएंगे। गाड़ी तकरीबन 8-20-25 तक जो है ना ये गाड़ी फुल एंड फाइनल आपको दे रहे हैं ठीक है। कागजों की हमारी लाइफ टाइम गारंटी है वो आपको बताइए, बड़ा प्लाट नहीं ये इधर आए प्लाट्स के थोड़े इधर आए। उसके बाद ये फैबर देखेंगे, फ्रंट की पूरी गाड़ी है बिल्कुल ठीक है, साफ सुथरी हालत में, एसी का सामान सारा लगा जी जी। मॉडल कौन सा, ये 96 मॉडल है, अंदर से सीटें शीटें दिखा लग गई थी, अलाइन एंड टायर भी खूबसूरत लगे हुए गाड़ी को, टायरों की कंडीशन तकरीबन 60% है, अंदर से सीटें डैशबोर्ड बैक साइड से भी दिखा रहे, फुटबोर्ड पे ये रंग लगता है खराब जी, टचिंग है गाड़ी में बाहर बाहर से सारी रंग हुई ठीक है, फुटबोर्डों में भी रंग है, बाकी फ्रंट की गाड़ी अच्छी है और ठीक है। ये मेरे ख्याल से 4.5 लाख रुपए इसका कह रहे हैं, और मौके पे कोशिश करेंगे कि 20-30,000 रुपये कम करवा लें, 20-30,000 रुपये इसमें कम बेची होगी, मतलब 4-20 तक ये फाइनल बन जाएगी, 4-20 तक बन जाएगी। ये गाड़ी अच्छी है जनाब, अगर सीधे चाहे इसी का सामान भी काफ़ी सारा लगा हुआ है, सेंटर में बोल है ब्लैक कलर में। भट्ट साहब क्या कर रहे हैं आप, भट्ट साहब आज तो आप गाड़ी को बड़ा लश कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं गाड़ी को, ये कंपाउंड कर रहे हैं, अच्छा हमारे हमारे भाइयों को थोड़ा कंपाउंड का भी तरीका बताए ना कोई अगर करना चाहिए, रफ करें, रफ क्या लगाना है, रफ में 1500-2000 नंबर का पेपर, अच्छा रफ पेपर करें ताकि उस पे कोई मोटी मोटी नेल जो चाहे वो साफ हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसकी रैपिंग करें, कंपाउंड करें जनाब, ठीक है। बाद बफर के साथ करते हैं तब मर्जी, आप पहले स्टार्टिंग में जो है हाथ से करें वो ज़्यादा अच्छा है, कंपाउंड में दो ही कंपाउंड है बहुत अच्छी है, एक नेक्सा की जो जोकी की है और एक T5 है जो फ्रांस की है, ज़्यादा अच्छी कंपाउंड है वो है, उससे आप रैपिंग कंपाउंड करें, कंपाउंड करें। ये जो मैंने आपको नेक्सा बताई है ये देखिए, ये नेक्सा ओरिजिनल नेक्सा है और यही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको आप इस्तेमाल करें, गाड़ी का चमक आएगी, उसके बाद आप पॉलिश लगाएं, पॉलिश पे चाहे आप कॉस्मिक लगाएं चाहे लोकल पॉलिश लगाएं, पॉलिश होती है थिन करने के लिए और कंपाउंड होती है उसको फिनिशिंग करने के लिए, ये जनाब आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह गाड़ी का रिजल्ट देखिए ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर ना आए तो एक दफ़ा आप हमारे पास आए, हम आपको तरकीब बताएंगे कि किस तरह आपने करना है और इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, सीख जाएंगे। ये तो ये जो टिप्स देते हैं ना, ये टूथपेस्ट इस तरह कर ले, ये उससे वो चीज़ नहीं, ओरिजिनल चीज़ से इस्तेमाल करें ताकि आपकी गाड़ी की लाइफ रहे और लाइफ टाइम
यही बात। और सैफ भाई देखें ना, सबसे मज़े की बात ये, हम लोगों को कहते हैं कि हमारी वीडियो पूरी देखा करें, उसमें बहुत सारा नॉलेज होता है वीडियो में, गाड़ी के कंडीशन के बारे में, गाड़ी की सीलों के बारे में, गाड़ी के कागज़ों के बारे में, गाड़ी के फ्रंट, उसके बाद गाड़ी में टचिंग कितनी है, पुटीन कितनी है, हर चीज़ के बारे में हमने बताया होता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें नॉलेज इतनी होती है कि अगर हम हमारे बगैर भी आप देखेंगे ना, आपको पता चलेगा। जैसे अभी बट साहब ने बता दिया है, गाड़ी में जो है ना, आपने कंपाउंड करनी हो तो उसमें कौन सी क्रीम यूज़ होगी, कौन सा पेपर यूज़ होगा, किस तरह से आपने लगानी है, हाथ से करें, मशीन से करें, तो ये चीज़ें क्या, ये नॉलेज के लिए होती हैं। अभी चलते हैं ज़रा गाड़ी की तरफ, ठीक है। 2006 मॉडल है, बाहर बाहर से सारी रंग है, इंजन नहीं हो रही। अच्छा, वन साइड से क्रैशें थी बस। अच्छा, उस तरफ टचिंग है और बोनट पे टचिंग है, ठीक है। और ये जो फेंडर है, ये जानवर है, सब जानवर, ये बिल्कुल जानवर है। ये बोनट के ऊपर जो है ना टचिंग है, लेकिन प्रोटीन छुटी नहीं है, देखें बिल्कुल क्रैशों की वजह, बिल्कुल है ही नहीं प्रोटीन, समझे। बट साहब बड़े कारीगर हैं, ये प्रोटीन नज़र भी नहीं आने देते। इसके ऊपर टचिंग है, ठीक है जी। इसके ऊपर रंग डला हुआ है जे भाई, ठीक है। उसके बाद इस दरवाजे पे भी रंग डला हुआ है, देख लें। लेकिन पुटीन देखें, पुटीन नहीं है गाड़ी में। उसके बाद इस दरवाजे पे भी देखें, खराश की वजह से हुआ है। और ये इन्होंने पेपर लगाया हुआ है, अभी ये जानवर है, ये नीचे नीचे इधर रंग है, ठीक है। ये इधर देख रहे हैं आप हल्का सा, ठीक है। उसके बाद पीछे डिग्गी देख लें, डिग्गी बिल्कुल जानवर, चेक करवाते हैं। डिग्गी बिल्कुल जानवर है, ये फेंडर बिल्कुल जानवर है, दरवाज़ा बिल्कुल जानवर है, अगला दरवाज़ा बिल्कुल जानवर है, छत बिल्कुल जानवर है। आप समझ लें कि 65% गाड़ी जानवर है, ठीक है, 65%। अभी आपको दिखाते हैं ज़रा गाड़ी अंदर से, ठीक है। बट साहब लॉक हुए भी दरवाज़ा, ठीक है, खोल गया दरवाज़ा, देखें जी अंदर से गाड़ी, डैशबोर्ड वगैरह, एसी चालू है, 2006 मॉडल है, लाइफ टाइम हुई भी है गाड़ी। और नंबर किधर क्या है बट साहब? लाहौर का, लाहौर सेकंड ऑनर है, सेकंड ऑनर गाड़ी है जी, सेकंड ऑनर। सीलों में गाड़ी देखें जी, पूरी है, बोर्ड बिल्कुल ठीक है, इसकी अपनी हालत में वो वाला फुट बोर्ड भी इसकी अपनी हालत में है, ठीक है। बट साहब अभी इस गाड़ी को बिल्कुल ओके कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बट साहब इसकी सीटों के कवर भी चेंज करेंगे आप? सीटों के कवर जी चेंज आपको नए मिलेंगे जनाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नए मिलेंगे आपको सीटों के कवर, क्योंकि अभी ये बिल्कुल ओके कर रहे हैं गाड़ी को। उसके बाद आए जी फ्रंट दिखाते हैं, देखिए अब इन्होंने रंग डाला ना, तो अगली लाइटें भी उतारी हुई हैं, हर चीज़ आपको ओके करके मिलेगी गाड़ी। ये फ्रंट देखें ना, बिल्कुल साफ़ सुथरी सीलों में फ्रंट है। चेसिस नंबर देखें, चेसिस पत्री देखें, ये फ्रंट पट्टी देखें, फ्रंट पट्टी भी ठीक है इसका। उसके बाद जी टायर देखें जी, टायर और लाए रहे उसी तरह से दिखा दीजिए, जैसे थोड़ा तंग होंगे आपको पीछे वाले, ये देखिए ना टायर, टायर खैर गाड़ी पता नहीं चल रहा, 70 से 80% नहीं बट साहब 70% तो नहीं है, आप इधर से खड़े होकर चेक करें, 50% हाँ 50% चले साइड वाइज पता चल रहा। बट साहब क्या करेंगे जी हमारे साथ प्यार मोहब्बत? बट साहब बताएं जी क्या डिमांड कर रहे हैं, डिमांड क्या करें? 2006 मॉडल के हिसाब से डिग्गी नहीं दिखाई, हाँ डिग्गी भी स्टेपनी, ये तो टायर है रंगजीत ओरिजिनल, ये बिल्कुल जेन्युइन टायर है इसका, देखिए ठीक है। उसके बाद ये उठाएं, ये उठाएं, आप छोटे सिलेंडर दो लगे हुए हैं, तीन सिलेंडर हैं छोटे जेन्युइन सीएनजी फिटेड, जेन्युइन छोटे सिलेंडर लगे हुए हैं जी गाड़ी में, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो कंडीशन होती है वो बतानी चाहिए, क्यों बट साहब? जी बिल्कुल, अभी आए आगे से बताएं डिमांड क्या कर रहे हैं। डिमांड भाईजान मैं 9.5 कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने ये फैसला करना है, इसी वर्किंग है, मीटर वर्किंग है, टायरों की पोजिशन है, सी एन जी वर्किंग है, पेट्रोल वर्किंग है, और गाड़ी का इंजन 100% है। बट साहब गुंजाइश कितनी है? इंशाल्लाह गुंजाइश भी करेंगे, आपके चैनल वजह से हम ज़रूर आपके कस्टमर को साथ दाखिल करेंगे, और आप जो है जो भी आपके रेफरेंस से आएगा इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा दावा करेंगे। फिर भी अभी कितनी गुंजाइश? अभी आपने नहीं, बट साहब मैं तो बोलूँगा लेकिन आप बताएं ना, आप मेरे रेट का तो आपको पता ही है, आप जो कहेंगे मैं इंशाल्लाह आपके उस पर आप मीट करूँगा इंशाल्लाह। इसमें देखिए मार्केट वैल्यू एक चीज़ की 6 मॉडल गाड़ी आपके सामने, कंडीशन आपके सामने, आप चेक कर लें आप। बट साहब ये फाइनल अगर बात करूँ जी जी, तो 8-80 तक बन जाएगी, नहीं बनेगी
बिल्कुल आखिरी रेट परसों शाम तक परसों शाम थोड़ा बहुत कोई गुंजाइश करे थोड़ा बहुत होगा चल 9:30 का कोई 10,000 ऊपर कर लें नहीं नहीं 9:30 90 कर लें फाइनल फाइनल रेट फाइनल सुने तो सही ना मेरी कंडीशन की बात अच्छा चल एक और बीच यार जी कोर से डील करते हैं सस्पेंस डालते हैं वीडियो में जरा ये नहीं देखे आप अगर आज सुने मेरी बात सुने पहले मेरी बात आप हम किसी के साथ लंबी चौड़ी बात नहीं करते सुने मेरी बात 870,000 रुपए की गाड़ी आज रात 12 बजे से जो पहले पहले बयान करेगा 870 की गाड़ी इसी हालत में लाइटें सिर्फ लगा के देंगे इसी हालत में डन होगी ठीक है जी सीट कवर शवर नहीं होगा ठीक है सीट के कवर शवर कुछ भी नहीं बाकी जो ये कंपाउंड कर रहे हैं ये क्लियर हो जाएगी वाश हो जाएगी लाइटें लग जाएगी बस जो बंदा इस हालत में इस गाड़ी का बयाना करके व्हाट्सएप करके हमें बयाना भेजेगा हम व्हाट्सएप पर आज रात 12 बल्कि सुबह सहरी तक जी सुबह सहरी तक डालेंगे सहरी के बाद नहीं 9:30 से काम नहीं होगा और अगर अगर सुबह सहरी तक किसी ने बयाना ना किया तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन वो भी तो सामने रखे ना तो वो नेक्स्ट ऑप्शन ये होगा कि फिर वो नौ फाइनल व्हाट्सएप नौ ठीक है उसमें लोग भी चलाएंगे देखिए जिसने लेनी हो वो भी चलाई ईद पे लोग ज्यादा गाड़ियां लेते हैं व्हाट्सएप आपको अल्लाह और देगा वो जो गाड़ी आप खड़ी है वो ले लेना आप इंशाल्लाह जरूर आपके भी दूसरी गाड़ी का तावन करेंगे जरूर तावन ओके हां जी अभी और गाड़ियां दिखाते हैं अंदर वीडियो को रोके यहां पे अच्छा जी उसके बाद आ गई हमारे पास टेरियस किट 2006 मॉडल 8 इंपोर्ट ऑटो गियर में फ्रंट जेन्युइन अंदर से जेन्युइन ए सीटर चालू बाहर बाहर से फुहार है गाड़ी ठीक है खाली फुहार है फुहार नहीं लगी हुई नहीं है गाड़ी पे तो ये गाड़ी जो है ना इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी दिखाएंगे क्या कहते हैं दिखा दें टायर से गाड़ी के अच्छे टायर हैं सीलों में भी गाड़ी अच्छी है अंदर से रूम देखें डैशबोर्ड देखें इसका उसके बाद इधर की सीलें देखें फुटबोर्ड देखें ये नीचे नीचे हल्की हल्की पुटीन है हल्की हल्की बस बाकी ठीक किनारों पे किनारों जो दोस्त गाड़ी अच्छी है जीप वगैरह ढूंढ रहा है जो बंदा ऑटो गियर में जीप टाइप गाड़ी चाहता है लोग मिनी बाजारों के लिए कॉल करते हैं वो होती है 3 डोर ये गाड़ी 5 डोर है अच्छी गाड़ी है स्पेस वाली है फैमिली भी बैठ सकती है आराम से लग्जरी अच्छी है पीछे ये गाड़ी परसों शाम तक आपको ना फुल एंड फाइनल रंगजेब भाई दे देते हैं जी 90,13,90,000 रुपये का चले मेरी बंदे से बात हुई है पक्की बात है ठीक है 13,90,000 रुपये की ये गाड़ी लास्ट एंड फुल एंड फाइनल दे देंगे उसके बाद रंगजेब भाई ये आज एक मेरा मोटरसाइकिल भी सेल के लिए देखें ये मोटरसाइकिल भी सेल के लिए आ गया अच्छा ये बंदा कोई जज नहीं कर सकता अगर ये मार्केट में ऐसे खड़ा हो ना कोई बंदा जज नहीं कर सकता ये कौन सा मॉडल है अभी वीडियो में आप सब देख रहे हैं कोई एक बंदा मुझे बता दे वीडियो में कमेंट्स करके खैर अभी मैंने तो बताना ही बताना है कि जोन सभी मॉडल है लेकिन ठीक है ये मैंने खुद सही शौकिया जिसको कहते हैं ना मैंने तैयार करवाया है इसको वो ये कर सकता है कि वो उसने कैसे पहचाना है कि कौन सा मॉडल है वो बता सकते वो कमेंट कर सकता है नहीं नहीं जेब नहीं पता चला लोग सारे पता क्या कहेंगे लोग कहेंगे ये सादे इंजन में है यूरो इंजन सादे इंजन में अभी मैं अगर मॉडल बता दूं फिर तो मज़े नहीं रहेगा ठीक है तो बहरहाल ऐसे करते हैं मॉडल बताते ही नहीं जेब भाई ठीक है मॉडल बताए बगैर जो है ना आज देखते हैं कि कौन इस मोटरसाइकिल का ये जज करेगा कि ये कौन सा मॉडल है नंबर प्लेट नहीं दिखानी बाकी जो बंदा इसको जज करेगा इंशाल्लाह ताला जो रेट बताऊंगा उसमें से भी 5-10,000 रुपया कम दूंगा जो बंदा ये बता देगा कि ये कौन सा मॉडल है ठीक है उसको 10,000 रुपया सस्ता मोटरसाइकिल मैं दे दूंगा अब मेरा अपना मोटरसाइकिल है ठीक है इसको होंडा की हर चीज़ जेन्युइन लगी हुई है सीट इसकी जेन्युइन लगी हुई है औरंगजेब भाई मीटर इसका होंडा का जेन्युइन लगा हुआ है हेडलाइट इसकी होंडा की जेन्युइन लगी हुई है मोनोग्राम होंडा का जेन्युइन लगा हुआ है कंपनी का लगा हुआ है लोकल नहीं लगा हुआ ठीक है उसके बाद शाखें इसकी अपनी है अगला मोटर गार्ड इसका जेन्युइन लगा हुआ है उसके बाद पिछली शाखें भी इसकी जेन्युइन है टैंकी टापे इसके 2023 के लगे हुए लेकिन जेन्युइन नहीं है पिछली लाइट भी इसकी जेन्युइन है नंबर नहीं दिखाना है पिछली लाइट जेन्युइन है लेकिन वो उतारी हुई है उसका बल्ब फ्यूज़ था वो उतार के ज़रा उसको वो भी इसी तरह तैयार हुई है अच्छी है ठीक है उसके बाद इस तरफ आए
इस तरफ से आके आपको दिखाते हैं। अभी पॉलिश लगी हुई है, मोटरसाइकिल कीपर अभी साफ करेगा बंदा। टायर इसका पिछला जैनवन होंडा का लगा हुआ है। उसके बाद ये स्लेंसर देख लें, स्लेंसर इसका होंडा का जैनवन नहीं है लेकिन अच्छा है, अच्छा वाला स्लेंसर लगा हुआ है, ठीक है, लोकल नहीं लगा हुआ। उसके बाद इंजन वाइज भी बिल्कुल ओके है। ये जी आपको फुल एंड फाइनल जो है ना, परसों शाम तक जो बंदा रब्ता करेगा ना, ये दे देंगे औरंगजेब भाई, बिल्कुल फाइनल, जिसको डेड फाइनल कहते हैं, 1,30,000 रुपये का बिल्कुल फाइनल, ठीक ठीक है। और जिस बंदे ने मॉडल का बता दिया, जिस बंदे ने मॉडल, उसको 1,20,000 का दूंगा मैं, ठीक है, आ जाए आगे। उसके बाद ये किया आ गई है जी, किया क्लास है, किया स्पेक्ट्रा ऑटो गियर में गाड़ी है, और ये गाड़ी भी परसों शाम तक आपको दे देंगे 3,00,000 की। यार ये 5,000 कम कर, 2,95,000 रुपये की फाइनल दे, ठीक ठीक है। उसके बाद ये 2-स्ट्रोक चैम्बर इंजन में गाड़ी आ गई है, छोटा कैरी बुलान, जो 82 मॉडल में चैम्बर इंजन, ये आपको फुल एंड फाइनल दे देंगे 2,90,000 रुपये, नहीं 2,90,000 नहीं 3,00,000 रुपये का ये फाइनल है, बिल्कुल डेड फाइनल। उसके बाद ये 7 मॉडल मेहरान है, ये भी आपको बता देते हैं जी, अंदर से टोटल जेन्युइन है, सिर्फ एक पिलर के ऊपर हल्की सी टचिंग है, फ्रंट बिल्कुल जेन्युइन है, फ्रंट भी आपको दिखा देते हैं मैं इसका, ठीक है। टायर वगैरह भी दरमियाने हैं इसके, फ्रंट देख लें इसका, फ्रंट से गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई मेन एक्सीडेंट नहीं है, और गैस पेट्रोल दोनों पे चालू है। ये गाड़ी फुल एंड फाइनल परसों शाम तक 5,00,000 रुपये की फाइनल आपको मिलेगी, बिल्कुल फाइनल। उसके बाद ये सिराट है, ये भी रंजीत भाई ये अपने वीडियो में भी दिखाई थी, इसके इंजन के जो ठीक वगैरह वो टूटे हुए हैं वेल्डिंग वाले, क्योंकि कोई पता नहीं किसी खड्डे में लगे ये गिर जाए। जिस बंदे की गाड़ी है उसने बताया, यार जी मुझे पता ही नहीं है, मैंने महंगी ली है ये जो भी है, लेकिन ये गाड़ी आपको परसों शाम तक जो बंदा रब्ता करेगा 2,30,000 की फाइनल दे देगी, ठीक बिल्कुल फाइनल, ठीक। उसके बाद ये आज मेहरान 2007 मॉडल, इसका भी आपको फ्रंट दिखाता हूँ मैं, अंदर से ये भी गाड़ी टोटल जानवर है, फ्रंट इसका भी बिल्कुल अंडा अंडा फ्रंट है इसका, देखें ठीक है, चेसिस नंबर, चेसिस प्लेट, हर चीज़ ओके है, फैसलाबाद का नंबर है, 2007 मॉडल है, फुल एंड फाइनल 5,00,000 रुपए की, परसों शाम तक जो भी बंदा रब्ता करेगा दे देंगे, पहले तक। ये डब्बा है जी, ये इसका बड़ा पूछते हैं लोग रंजीत भाई, इसका जरा थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देगा दरवाजे, इसकी डिटेल वीडियो लगी हुई है, लगी हुई है इसकी वीडियो चैनल पे, यार बंदा कोई तस्वीरें मांग रहा है, मुझे याद नहीं है किसने मांगी, उसको वीडियो बाद से तो नहीं गाल आई थी आज, इस्लामाबाद से तो नहीं गाल आई थी, शानी नाम है शान लड़के, कॉल तो काफी आती है, किस खाते ये इसकी क्या डिमांड है, कैरी का उसने मुझे भेजा, मैं इधर नौबाद में रहता हूं, मुझे पता है, मैं जानता हूं आपको, इसका यार जी 2,90,000 रुपए का ये फाइनल दे देगा, ये कौन सा मॉडल है, 89 89, क्या कंडीशन है गाड़ी की, कंडीशन वाइज पूरी बॉडी तैयार हुई है इसके, अंदर बाहर सब तैयार है, अच्छा नीचे से मुकियां शुकियां वेल्ड है इसकी, सही 2,90,000 2,00,000। इसके अलावा और कोई कैरी है आपके पास, इसके अलावा वो 2-स्ट्रोक में चैम्बर में है, चलो मैं ऐसे कॉल कर देता हूँ। उसके बाद रुक भाई, ये खैबर जिसके टायर शायद बैठे हुए थे आज, इसको भी हमने ओके कर दिए, ये भी सिर्फ स्टार्ट करनी रह गई है, ये भी ओके हो जाएगी, फ्रंट देख लें, फ्रंट से गाड़ी बिल्कुल ओके है भाई। एक बंदा पूछ रहा था कि रोड चेकिंग क्या होती है, तो भी बताएं जरा, रोड चेकिंग ये होती है कि किसी गाड़ी के जब पुलिस को शक पड़ता है, हाँ, तो वो रोड पे गाड़ी खड़ी करके आपकी गाड़ी का चेसिस पे मिटा के रेग मार मार के चेक करते हैं कि कहीं जो चेसिस या टेम्पर तो नहीं है, ये रोड चेकिंग होती है, डुप्लीकेट तो नहीं बना हुआ, टेम्पर नहीं किया किसी ने, या किसी ने पंच तो नहीं किया हुआ, ये चीज़ चेक होती है, ठीक है, रोड पे खड़ी करके गाड़ी चेक कर, रोड चेकिंग कहते हैं। ये गाड़ी जी रंजीत भाई 90 मॉडल है, मुल्तान का नंबर है, ये फुल एंड फाइनल 3,30,000 रुपए की फाइनल दे दें, और जो लिबर्टी होती है उसमें पूरी चेसिस जलाते हैं, पूरी चेसिस जला देते हैं जी, और वो चेसिस पे रंग बड़ा होता है तो पता लग जाएगा इसका उसकी लिबर्टी हुई। चल उसके बाद अंदर से ये दिखा रहे हैं, थोड़ी सी दरवाजे से दरवाजे खुले हैं इसके, अंदर से गाड़ी बिल्कुल जानवर है, देखें ये किनारी देख लें, वो उधर से देखें, अंदर से बिल्कुल ओके है गाड़ी, सिर्फ इसको 8 पल्ले की जरूरत है, सीट कवर इसके नए आए हुए हैं, नए पड़े हुए हैं बिल्कुल, आपको नए सीट कवर भी इसके साथ मिलेंगे, मॉडल है फुल एंड फाइनल 3,30,000 रुपये की फाइनल दे देंगे, लाइन रिंग भी लगे हुए हैं, टायर भी ठीक है। उसके बाद ये तो हमने सेल कर दी है,
सिटी थी हमारे पास, वो भी हमने सेल कर ये दी। इसके बाद डिटेल वीडियो लगाएं जी, इसकी वीडियो नहीं लगी हुई, सर डिटेल से बताएं फटाफट। आज तो नहीं लग सकती, तो जो हो सकता है वो करें, खुले हुए सब खुली हुई है, लाख नहीं है। गाड़ी बाहर से पूरी शावर है जी, पूरी शावर। और ये देख रहे हैं इंटर भी देख रहे हैं, भाई पूछ रहे थे कि डिटेल वीडियो भेजे तो चेक करें जनाब गाड़ी को, दरवाजे खोलते जाएं अंदर से निकालते जाएं, करते शर्ते इसके अच्छे लगे, ठीक है, डिग्गी भी इसकी खुल जाती है, आगे आए फ्रंट पे, आए फ्रंट पे आ जाओ।